विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे साउंड। इसमें मैंने आपको दो या तीन पार्ट पढ़ाया, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, ठीक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों एक तरह के टाइप्स ऑफ साउंड है, ठीक है। नॉइज़ भी अगर कहीं पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का साउंड है, और कहीं से अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो वो भी एक तरह का साउंड है। तो दोनों ही आपके साउंड है, बट थोड़ी सी डिफरेंसेस है इसमें, ठीक है। नॉइज़ क्या होता है और म्यूज़िक क्या होता है, ठीक। नॉइज़ क्या होता है, बहुत सारा हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। जो बिल्कुल भी हम लोगों के लिए प्लेजेंट नहीं होता है, ठीक है, हमारे कानों के लिए क्या होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता उसको सुन के, उसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं। और म्यूज़िक क्या होता है, ठीक है, ऐसे साउंड जो हमारे कानों के लिए क्या होता है, बहुत प्लीजेंट होते हैं, जिनको सुन के हमें अच्छा लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। तो नॉइज़ और म्यूज़िक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं, ठीक। म्यूज़िक या म्यूज़िकल साउंड क्या होता है, म्यूज़िक और म्यूज़िकल साउंड। तो म्यूज़िक या म्यूज़िकल साउंड क्या होता है, ठीक है, ऐसे साउंड, ठीक है, जो आपके कानों के लिए क्या होता है, बहुत प्लीजेंट होते हैं, जिनको सुन के आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप इन्जॉय करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। द साउंड विच प्रोड्यूसेस प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड इज कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। यानी ऐसा साउंड जो हमारे कानों पे और हमारे दिमाग पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड कहते हैं, ठीक। अब जितने भी आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, पियानो है, गिटार है, फ्लूट है, ठीक है, तो ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, आपके लिए एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सुन के आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है, ठीक। तो सबसे पहले म्यूज़िकल साउंड क्या होता है, उसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। द साउंड विच प्रोड्यूसेस Pleasant effect on our ears and mind is called musical sound। यानी वो आवाज़ जो हमारे कानों के लिए, ठीक है, और हमारे दिमाग के लिए क्या करता है, एक बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड। अब इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, गिटार, फ्लूट एक्सेट्रा। यानी जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए उसका नाम ही क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। यानी ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सुन के आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपके कानों के लिए और आपके दिमाग के लिए क्या करते हैं, एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, जो म्यूज़िकल साउंड होती है, ठीक है, उसकी जो लाउडनेस होती है, द साउंड लेवल इन म्यूज़िकल साउंड लाइज बिटवीन 10 dB and 30 dB। तो जो म्यूज़िकल साउंड होता है, ठीक है, उसकी जो लाउडनेस होती है, उसको मेज़र करने के लिए मैंने बताया था, आप किस पे मेज़र कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की लाउडनेस को डेसिबल यूनिट में कर सकते हैं, ठीक। तो जो म्यूज़िकल साउंड होता है, ठीक है, उसका जो लाउडनेस होता है वो 10 dB से लेके 30 dB के बीच पे होता है, इसीलिए वो साउंड्स आपको क्या लगती हैं, बहुत प्लीजेंट लगती हैं, ठीक। The sound level usually lies between 10 dB and 30 dB। तो मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक पर बताया था कि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड होती है, ठीक है, उसको हम लोग किससे मेज़र कर सकते हैं, डेसिबल यूनिट से मेज़र कर सकते हैं। तो जो म्यूज़िकल साउंड होती है, ठीक है, उसकी भी जो लाउडनेस होती है वो कितने डेसिबल के बीच में होती है, 10 dB to 30 dB के बीच में होती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी म्यूज़िकल साउंड को मेज़र कर सकते हैं। द म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाई अ सीरीज ऑफ रेगुलर वेव्स विच फॉलो वन अनदर एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जो आपकी म्यूज़िकल साउंड जो होती है, ठीक है, वो सीरीज़ ऑफ रेगुलर वेव्स से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आपको पता है, जब भी आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन
प्रोड्यूस करता है, तो वो वाइब्रेशन कहाँ पे होती है, फिर आपके एयर में कॉज होती है और वहाँ से क्या होता है कि वेव जनरेट होती है जो अगले के कानों तक पहुँचती है। तो जो म्यूजिकल साउंड होती है ठीक है, वो एक रेगुलर वेव जनरेट करती है और वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता है ठीक है, और कोई भी उसमें चेंज नहीं होता, सडन चेंज नहीं होता एम्पलीट्यूड में, यानी एक फिक्स्ड वेव होती है वो पर्टिकुलर टाइम पे ही चेंज होती है। इसीलिए जो म्यूजिकल साउंड होता है ठीक है, उसका जो वेव होता है वो रेगुलर इंटरवल पे बनता है ठीक, और रेगुलर टाइम पे बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ रेगुलर वेव्स विच फॉलो वन अनदर एट रेगुलर इंटरवल without any sudden change in amplitude। यानी जो आपकी म्यूजिकल साउंड होती है ठीक है, वो एक सीरीज ऑफ रेगुलर वेव्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अपने वाइब्रेशन से ठीक, और वो एक रेगुलर इंटरवल पे कॉज होता है और कोई भी उस पर सडन चेंज नहीं होता है एम्पलीट्यूड में ठीक। अब इसका फिगर आप लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या था आपका एम्पलीट्यूड था, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिख दिया एम्पलीट्यूड ठीक, और ये आपका क्या था एक्स एक्सिस पे जो था टाइम था ठीक। अब इसमें जो वेव्स बनती है ठीक है, एम्पलीट्यूड की जो वेव्स बनती है मैंने बताया कि वो रेगुलर बनती है ठीक है, और रेगुलर टाइम इंटरवल पे, यानी वो कुछ इस तरीके से बनती है। आप इस तरीके से वेव्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे एक रेगुलर वेव क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ठीक। तो ये आपका क्या था, द वेव फॉर्म ऑफ अ म्यूजिकल नोट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशन। यहाँ पे एक रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन हो रहा है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि ये कैसा साउंड है, ये एक म्यूजिकल साउंड है। द एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ, ये क्या है, द एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ ऑफ म्यूजिकल साउंड। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ बनाया किसका, एक म्यूजिकल साउंड का। और अभी मैंने बताया कि जो भी वेव्स जनरेट होती हैं, जो भी वेव्स फॉर्म होती है एक म्यूजिकल साउंड में ठीक है, वो क्या करती है, एक रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन कॉज करती है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द वेव फॉर्म ऑफ अ म्यूजिकल नोट is characterized by regular periodic vibration। यानी कि जो भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक म्यूजिकल साउंड में ठीक है, वो क्या करती है, एक रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन करती है। आपको दिख रहा होगा एक रेगुलर अप एंड डाउन क्या कर रहा है, रेगुलर वेव्स फॉर्म कर रहा है ठीक है, और एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद से ये वेव्स क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी, म्यूजिकल साउंड के बारे में पढ़ी ठीक। एक बार फिर से रिवाइज करते और देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने बताया था कि म्यूजिकल साउंड क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, द साउंड विच प्रोड्यूसेस प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। यानी ऐसा साउंड जो हमारे माइंड पे ठीक है, और जो हमारे ईयर पे एक प्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको सुन के हमें अच्छा लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ठीक है, या जो हम खुद कभी कभी जो गाने गाते हैं ठीक, जिनको सुन के हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है। फिर हमने देखा कि जो साउंड होता है ठीक है, जो लाउडनेस होती है म्यूजिकल साउंड की, वो 10 डेसिबल से लेके 30 डेसिबल्स के बीच पे क्या करता है, लाई करता है। फिर हमने देखा कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक रेगुलर वेव्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ बनाया, जिसपे आपको दिखाया है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक रेगुलर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने देखा कि जो हमारा म्यूजिकल नोट होता है किसी भी
म्यूज़िक का, ठीक है, जो गाने आप सुनते हैं, ठीक है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेकर हैं उसके जो नोट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे पहचाने जाते हैं, एक रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन से। वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम एक रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन करते हैं, जिससे आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक म्यूज़िकल साउंड का क्या है, नोट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में, म्यूज़िकल साउंड के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, नॉइज़ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज़। चलिए तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नॉइस क्या होता है, ठीक है, नॉइस के बारे में आपको बताएंगे। NOISE, noise. तो नॉइस क्या होता है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि आप जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कई बार ये क्या बन जाता है, नॉइज़ बन जाता है, और कई बार ये म्यूज़िकल साउंड भी बन जाता है। आप जब बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, तो वो एक नॉइज़ बन जाता है। और जब आप किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, अगर आप गाना गा रहे होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक म्यूज़िकल साउंड बन जाता है। तो जिन आवाज़ को सुन के आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, जिनसे आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, ठीक। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, द साउंड डेट प्रोड्यूस ए डिसकम्फर्ट एंड डिसप्लीजिंग इफेक्ट, यानी जो क्या करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको इरिटेटिंग लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिए, the sound that produces discomfort, the sound that produces discomfort and displeasing effect in our ears and mind is called noise। यानी वो साउंड जो हमको क्या करता है, डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस करता है, डिसप्लीजिंग इफेक्ट डालता है हमारे कानों पे, हमारे दिमाग पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये सारे साउंड कैसे होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं, डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज, आपके फैक्ट्रीज से जो बहुत सारी मशीनें चलती हैं, उससे जो आवाज़ निकलती है, वो भी एक तरह का क्या करती है, नॉइज़ को कॉज करती है, ठीक है। फिर ओल्ड कार, जो पुरानी गाड़ी होती है, ठीक है, इवन बाइक्स भी जो होती हैं, वो भी आवाज़ करती हैं, ठीक है। इसके अलावा एरोप्लेन की जो साउंड होती है, वो भी कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, डिसकम्फर्ट होती है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो आप मैंने बताया कि इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्रीज से हो गया, पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, उसके जो हॉर्न्स होते हैं, आपके जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जिन आवाज़ों से आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, जिन आवाज़ों को सुन के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़। जो क्लास में आप लोग हल्ला करते हैं, वो भी क्या, एक तरह का नॉइज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नॉइज़ के बारे में हो गई, ठीक। अब बात करते हैं लाउडनेस की, कि नॉइज़ की भी जो लाउडनेस होगी, उसको भी हम लोग किस पे मेज़र कर सकते हैं, किस यूनिट से किस यूनिट के बीच में, ठीक। द साउंड लेवल इन नॉइज़ यूजुअली लाइज अबव 80 डेसिबल। अब साउंड जो होती है, ठीक है, जो नॉइज़ वाली साउंड होती है, वो 80 डेसिबल से यूजुअली क्या होती है, ऊपर होती है। यानी 80 डेसिबल से ऊपर की लाउडनेस वाली जो भी साउंड होती है, वो एक तरह से क्या होती है, नॉइज़ ही होती है, जो नॉइज़ क्रिएट करती है, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, the sound level in noise usually lies above 80 decibel। यानी जो आपकी साउंड की लेवल होती है, ठीक है, नॉइज में, वो क्या होती है, 80 डेसिबल से ऊपर होती है, इसीलिए उसकी लाउडनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अनप्लीजेंट लगता है, डिसकम्फर्ट होता है, इरिटेशन कॉज होता है, ठीक।
अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक रेगुलर वेव प्रोड्यूस होती थी, किस पे? म्यूजिकल साउंड में। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इरेगुलर वेव्स प्रोड्यूस होती है इरेगुलर ऑफ टाइम इंटरवल पे, और सडन चेंज हो जाता है एम्पलीट्यूड में, जिसकी वजह से जो उसकी जो रेगुलर इंटर वेव्स जो होती है, ठीक है, वो इरेगुलर बनती है, ठीक। और इसीलिए जो होता है नॉइज पॉज होता है। नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, फिर इसका ग्राफ बना के आपको शो करूँगा। नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाई अ सीरीज ऑफ इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड देयर आर सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। यानी जो नॉइज प्रोड्यूस होती है सीरीज ऑफ इरेगुलर वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से। नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज ऑफ इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे आप नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज ऑफ इरेगुलर वेव्स एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी इरेगुलर वेव्स के प्रोड्यूस होने की वजह से इरेगुलर टाइम में, ठीक है, उसी के वजह से क्या होता है, हमारा नॉइज प्रोड्यूस होता है, ठीक। इसकी आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, और ये क्या होता है, रेगुलर नहीं होता, ना ही इसका टाइम इंटरवल रेगुलर होता है, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ फॉर नॉइज, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ ऑफ नॉइज। तो कोई भी जो नॉइज होती है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे आपको कहीं पे भी एक रेगुलर वेव देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, और एक रेगुलर टाइम इंटरवल भी नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या होता है, एक सडन चेंज हो जाता है एम्पलीट्यूड में, कभी कम तो कभी बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम ज़्यादा, यानी जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन शो करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें आपको जाननी है। द वेव फॉर्म्स ऑफ अ नॉइज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन। जैसे हमने वहाँ पे देखा था म्यूजिकल साउंड में, वहाँ पे क्या था, पीरियडिक वाइब्रेशन की वजह से, रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशन से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलर नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वो नॉइज का है या फिर म्यूजिकल साउंड का है। द वेव्स फॉर्म ऑफ अ नॉइज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन। यानी हमारा जो नॉइज़ होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन। यहाँ पे आपको इरेगुलर वेव्स दिखाई दे रही होंगी और नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन दिखा रहे होंगे, बिकॉज ये एक पीरियडिक नहीं है, मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद से खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन। यानी कहीं भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड आपका कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी ना किसी वाइब्रेशन की वजह से। स्टार्टिंग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, साउंड का जो कॉज होता है वो क्या होता है, किसी तरह का वाइब्रेशन होता है, चाहे वो म्यूजिकल साउंड है चाहे वो नॉइज़ है, दोनों में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। और उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, जो आपका म्यूजिकल साउंड होता है उसमें रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशन होता है, इसलिए उसको हम लोग पहचान सकते हैं उसका ग्राफ देख के, ठीक। और जो नॉइज़ होता है उसमें इरेगुलर नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया नॉइज़, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो नॉइज़ के बारे में मैंने सबसे पहले बताया था इसका डिफिनीशन, द साउंड दैट प्रोड्यूसेस डिसकम्फर्ट एंड डिसप्लीजिंग इफेक्ट इन आवर ईयर्स एंड माइंड इज कॉल्ड नॉइज। यानी साउंड जो क्या करता हो, डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, डिसप्लीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में, ठीक है, हमारे दिमाग में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं।
साउंड जैसे कि फैक्ट्री से जो साउंड निकलता है, ठीक है, आपके मोटर व्हीकल से जो साउंड निकलता है, जो आपकी हॉर्न होती है, एरोप्लेन का साउंड जो होता है, ये सब कुछ कैसा होता है, नॉइज़ होता है, जो हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट होता है, ठीक। उसके बाद से हम लोगों ने बात की जो साउंड का लेवल होता है, जो लाउडनेस होती है, वो 80 डेसिबल से क्या होती है, ऊपर होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो साउंड होता है वो एक सीरीज ऑफ इरेगुलर वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, और वो इरेगुलर ऑफ टाइम इंटरवल पे कॉज करती है, ठीक है। और उस पर क्या होता है, सडन चेंज हो जाता है एम्पलीट्यूड का, कभी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा और कभी एम्पलीट्यूड बहुत कम। फिर हमने देखा कि इसको हम लोग पहचानते कैसे इसके ग्राफ में, ठीक है, तो वो क्या होता है, इरेगुलर नॉन पीरियडिक वाइब्रेशंस की वजह से कॉज होता है नॉइज़, और जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच पे थोड़े से डिफरेंसेस। ये तो मैंने अलग अलग आपको बता दिया कि नॉइज़ क्या होता है, ठीक है, और म्यूज़िकल साउंड क्या होता है, ठीक। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉइज वर्सेस म्यूजिकल साउंड। यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। चलिए देखते हैं, वर्सेस म्यूजिकल साउंड, तो नॉइज़ और म्यूजिकल साउंड में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में क्या करना था आपको बताना था, तो चलिए देखते हैं नॉइज़ और म्यूजिकल साउंड क्या होता है, ठीक। चलिए तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक, और पैरामीटर देखते हैं किस पैरामीटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस को देख रहे हैं, ठीक। पैरामीटर यानी किस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉइज, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं किसके किसके बीच में, नॉइज और म्यूजिकल साउंड के बीच में, ठीक। सबसे पहले देखते हैं वेव फॉर्म, जो वेव बनती है, ठीक है, म्यूजिकल साउंड में और नॉइज़ में वो किस तरीके की बनती है। तो अभी आपने देखा कि नॉइज़ में जो वेव बनती है वो कैसी बनती है, इरेगुलर वेव बनती है, ठीक। नॉइज़ में कैसी वेव बनती है, इरेगुलर वेव बनती है, ठीक, और म्यूजिकल साउंड में कैसी वेव बनती है, रेगुलर वेव बनती है, ठीक। तो वेव फॉर्म कैसा होता है नॉइज़ का, नॉइज़ का वेव फॉर्म होता है इरेगुलर, और म्यूजिकल साउंड का कैसा होता है, रेगुलर वेव होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, नॉइज़ की या फिर म्यूजिकल साउंड की, तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी नॉइज़ की होती है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक, और जो आपका म्यूजिकल साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है, ठीक। यानी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं पर यूनिट टाइम, वो नॉइज़ में क्या होते हैं, कम होते हैं, और म्यूजिकल साउंड में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ वाइब्रेशन की, नेचर ऑफ वाइब्रेशन, नेचर ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो वाइब्रेशन होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है, म्यूजिकल साउंड में और नॉइज़ में और म्यूजिकल साउंड में। तो इरेगुलर होता है और नॉन पीरियोडिक होता है, नॉइज़ में कैसा होता है, इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक, और म्यूजिकल साउंड में कैसा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो कैसा होगा, रेगुलर एंड पीरियोडिक। यानी इस पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड में सडन चेंज आ सकता है, ठीक है, और वो पीरियोडिक नहीं होता है, नॉन पीरियोडिक होता है, कभी भी सडन चेंज हो सकता है। बट जो नेचर ऑफ वाइब्रेशन आपका म्यूजिकल साउंड में होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है, और कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, मीन्स एक रेगुलर वाइब्रेशन होती है और एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे होती है, ठीक। इसके बाद से बात करते हैं इफेक्ट इन ईयर एंड माइंड ऑफ अ पर्सन, इफेक्ट इन ईयर एंड माइंड ऑफ अ पर्सन, माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी जो इफेक्ट पड़ता है आपके नॉइज़ का और म्यूजिकल साउंड का, ठीक है, किसी भी ह्यूमन ईयर पे या उसके दिमाग पे, वो कैसा होता है। तो नॉइज़ के केस में आपने देखा था डिसप्लीजिंग एंड डिसकम्फर्ट, यानी जो नॉइज़ होता है वो क्या करता है, किसी भी इंसान के कानों पे, ठीक है, और उसके दिमाग पे क्या करता है, एक अनप्लीजेंट इफेक्ट छोड़ता है, ठीक है, अनप्लीजेंट इफेक्ट डालता है, ठीक है, डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस करता है। बट जो आपका म्यूजिकल साउंड होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, और कैसा होता है, कम्फर्टेबल होता है, प्लीजेंट एंड कम्फर्टेबल। यानी हमारा जो म्यूजिकल साउंड होता है वो एक प्लीजेंट और कम्फर्टेबल साउंड क्या करता है, एक इफेक्ट डालता है हमारे पर्सन के ईयर पे और उसके दिमाग पे, ठीक।
तो ये पैरामीटर्स थे या बेसिस कह सकते हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया था, ठीक। तो वेव फॉर्म सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो हमारा म्यूजिकल साउंड होता है उसमें वेव फॉर्म कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है, और जो नॉइज़ होता है उसमें कैसा होता है, इरेगुलर होता है। फिर हम लोगों ने देखा फ्रिक्वेंसी, तो नॉइज़ की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, कम होती है, और म्यूजिकल साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर नेचर ऑफ वाइब्रेशन की बात किए थे, यानी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, तो नॉइज़ के केस में वो इरेगुलर होता है, नॉन पीरियडिक होता है। इरेगुलर इन द सेंस मतलब वो कभी भी अपना एम्पलीट्यूड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, और किसी भी टाइम पे एक फिक्स्ड आपको वो पैटर्न नहीं शो करता, इसलिए नॉन पीरियडिक है, ठीक। और म्यूजिकल साउंड के केस में क्या था, रेगुलर वेव फॉर्म करता था एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, उसमें एम्पलीट्यूड में कोई भी सडन चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसको मैंने लिख दिया रेगुलर एंड पीरियडिक। फिर हमने देखा इफेक्ट इन ईयर एंड माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी किसी इंसान के दिमाग पे, उसके कान पे क्या इफेक्ट पड़ता है नॉइज़ का, तो नॉइज़ क्या करता है, एक डिसप्लीजिंग और एक डिसकम्फर्ट प्रभाव डालता है, ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, और जो आपका म्यूजिकल साउंड होता है वो प्लीजेंट और कम्फर्टेबल इफेक्ट डालता है आपके ह्यूमन ईयर और माइंड पे। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों ने देखी किसके बारे में, नॉइज़ के बारे में और म्यूजिकल साउंड के बारे में, ठीक। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। नॉइज़ की वजह से भी पॉल्यूशन कॉज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक हेल्थ हजार्ड है, ठीक है, एक आपके स्वास्थ्य पे पड़ने वाला एक दुष्प्रभाव है जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसके बहुत सारे बुरे इफेक्ट पड़ते हैं आपके बॉडी पे, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक, और ये देखेंगे कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आप उनसे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। चलिए हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साउंड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है नॉइस पॉल्यूशन और हेल्थ हजार्ड, यानी एक स्वास्थ्य संबंधी क्या है आपका नुकसान है नॉइस पॉल्यूशन, ठीक। तो नॉइस पॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन जान लीजिए, कोई भी लाउड और हार्श साउंड, ठीक है, जो आपके कानों के लिए, आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी प्लीजेंट ना हो, ठीक है, जो आप पे क्या कर रहा हो, बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा हो, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही हो, हेडेक हो रहा हो, ठीक है, या कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। लाउड एंड हार्श साउंड इज कॉल्ड नॉइस। तो नॉइज़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ऊंची आवाज़, ठीक है, और बहुत ऐसी आवाज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हो, डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस कर रही हो, डिसप्लीजेंट हो, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। और नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशन। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो नॉइज़ कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है, इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से होता है, ठीक। अब बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की, तो नॉइज़ तो समझ में आ गया, और नॉइज़ से रिलेटेड है नॉइज़ पॉल्यूशन। द डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड बाय एन अनडिजायरेबल लाउड साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी बहुत सारे नॉइजेस, ठीक है, जब मिल जाते हैं एक साथ, ठीक है, अनडिजायरेबल साउंड जिसको आप नहीं सुनना चाहते हैं, वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कॉज करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक। जैसे कि आपकी जो मोटर व्हीकल्स बहुत सारे, जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और बहुत सारा साउंड एक साथ, हॉर्न्स के, ठीक है, व्हीकल्स के साउंड जब आपके कानों में जाते हैं तो वो एक तरह का क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारा नॉइज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों की बातचीत, ठीक है, ट्रेनों का आना जाना, फिर आपके पटरियों पे भी बहुत सारे जो ट्रॉलीज होती हैं, ठीक, इवन वहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो अपनी चीज़ों को सेल कर होते हैं, मीन्स बहुत सारी आवाज़ें जब एक साथ क्या होती है, आपके कानों में जाती है, तो वो क्या कॉज करती है, नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज करती है, ठीक। इसके अलावा रेडियो की आवाज़ जो होती है, ठीक है, रेडियो बहुत सारे एड्स और बाकी सारी चीज़ें जब आप सुनते हैं, ठीक, जो एरोप्लेन्स की आवाज़ होती है, टीवी पे कई बार क्या होता है, बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट होता है, ठीक है, बहुत तेज लाउड म्यूजिक जब आप सुन रहे होते हैं, ठीक, तो ये सब कुछ क्या कॉज करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉइज़ क्या था, नॉइज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से नॉइज़ पॉल्यूशन की डिफिनेशन, और फिर हम लोग देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो अभी मैंने बताया था लाउड एंड हार्श साउंड इज कॉल्ड नॉइज। तो लाउड और हार्श साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, ठीक है। नॉइज़ इज प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशन।
तो नॉइज़ क्या होता है, एक लाउड और हार्श साउंड कोई भी, ठीक है, जो अनप्रेजेंट हो, डिसकम्फर्ट हो, उसको नॉइज़ कहते हैं। और नॉइज़ कैसे कॉज होता है, इरेगुलर वाइब्रेशन से कॉज होता है, ठीक। अब नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, the disturbances caused by the disturbances caused by an undesirable loud sound of different kind is called noise pollution। हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मोटर व्हीकल्स, ठीक। मोटर व्हीकल्स की वजह से होता है, ट्रेन्स की वजह से होता है, ठीक, एरोप्लेन्स की वजह से होता है, एरोप्लेन्स, रेडियो टीवी एसेट्रा। यानी बहुत सारे जो साउंड्स क्या होती है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड जब एक साथ आपके कानों में जाती है तो वो क्या कॉज करती है, नॉइस पॉल्यूशन कॉज करती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लाउड और हार्श साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, ठीक। और नॉइज जो होता है वो इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कॉज होता है। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, यही डिस्टर्बेंसेज, ठीक है, जो किसी भी अनडिजायरेबल लाउड साउंड की वजह से जो डिस्टर्बेंसेज कॉज होती है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स की साउंड जब एक साथ आपके कानों में पड़ती है तो एक डिसकम्फर्ट और एक अनप्लीजेंट स्टेट कॉज करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। नॉइज़ पॉल्यूशन किससे कॉज होता है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज होता है आपका बहुत सारे जो मोटर व्हीकल्स है, ठीक है, हॉर्न्स है, जो डीजेस होते हैं, ठीक है, फिर एरोप्लेन्स है, रेडियोस है, टीवी है, बस, कार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर सकती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज कर सकती हैं, ठीक। अब हम देखेंगे व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, उसको आप देख लीजिए, ठीक। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसका आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है, ठीक है, हियरिंग लॉस, यानी कई बार क्या होता है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से आप अपने सुनने की शक्ति जो है, सुनने की जो क्षमता है उसको क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक। कई बार क्या होता है लाउड साउंड की वजह से आपके कान के अंदर, आपकी ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, टियर हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई लेवल कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग, यानी बहुत टाइम तक आप करते हैं क्या करते हैं, अगर बहुत तेज लाउड साउंड सुनते हैं, ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं आप, हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक। फैटिग ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। कई बार क्या होता है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से अक्सर होता है कि आपके घर के आसपास, ठीक है, कहीं पे डीजे लगा होता है और रात भर वो चलता है, जिसकी वजह से आप सही से सो नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, फैटिग हो जाता है, ठीक। अब फैटिग क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, फैटिग जो होता है एक तरह का फीलिंग होता है, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर टायर्ड फील कर रहा हो, आपकी एनर्जी आपको बहुत लो लगती हो, ठीक है, और आपको हमेशा बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती हो कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। अक्सर होता है ना, अगर रात भर आपने किसी वजह से पढ़ाई की है, ठीक है, या कभी होता है कि साउंड की वजह से, ठीक है, अगल बगल किसी के घर शादी है, डीजे चल रहा है, आप रात भर सो नहीं पाए होते हैं, तो अगले दिन में क्या होता है, जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान आपको लगती है, ठीक है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, लो एनर्जी होती है, आप किसी काम को करना नहीं चाहते, आपको बहुत सारी नींद आ रही होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैटिग। और ये फैटिग किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है, जब आपकी नींद नहीं पूरी होती है तब ये कॉज होता है, ठीक। तो ये लैक ऑफ स्लीप होता क्यों है, क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन है। अगर आपके घर के बगल में शादी हो, रात भर वहाँ पे क्या चल रहा हो, गाने चल रहे हो, डीजे चल रहा हो, ठीक है, लोगों की आवाज़ें हैं, म्यूज़िक है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं सकते हैं रात भर, तो आपको क्या कॉज हो सकता है, फैटिग। और जो थर्ड थिंग क्या कॉज हो सकती है, वो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज हो जाता है, ठीक। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड, ठीक है, या नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। और एनेक्सिटी
पैरेक्सिटी क्या होती है? घबराहट। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमको सुनने पे घबराहट जैसा महसूस होता है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स थे किसके, नॉइस पॉल्यूशन के। नॉइस पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, सबसे पहला हियरिंग लॉस, आप सुनने की क्षमता खो सकते हैं, ठीक है, बहुत तेज अगर साउंड बहुत देर तक अगर आप सुनते हैं तो उसकी वजह से आपके कानों के मेम्ब्रेन क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं और आप अपने सुनने की शक्ति खो सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने देखा फैटिग हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे आपकी नींद नहीं पूरी होगी जिसकी वजह से आप ओवर टायर्ड फील करेंगे, ठीक है, दिन भर आपकी एनर्जी लो रहेगी, ठीक, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप बार बार सोने की कोशिश करेंगे, ठीक, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और क्या हो सकता है, एनेक्सिटी हो सकती है। तो ये सारे हमारे थे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम दिस नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक, किस तरीके से, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए, मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन इसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, यानी किस तरीके से नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं और वेज टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, यानी किन वेज को अपना के हम लोग क्या कर सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, वो बहुत सारे तरीकों से कम किया जा सकता है, ठीक है, उसमें से कुछ मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो बताता हूँ, ठीक। सबसे पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है, आप जितने भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, उनको आप रेजिडेंशियल एरिया या ऐसी जगहों से क्या करें, दूर सेटअप करें जहाँ पे लोग रहते हों, ठीक, यानी जो आसपास के एरिया हो वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए और पेड़ों से क्या होने चाहिए, घिरी होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड जो वहाँ से निकलता है वो आपके ट्रीज क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही कर सकते हैं, ये रास्ता अपना सकते हैं, setting up of industries away from the residential areas and planting more trees। यानी सबसे पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि हमारी जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, ठीक है, उनको रेजिडेंशियल एरिया से कहीं बहुत दूर सेटअप करें, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या हो, घने जंगल हो या बहुत ज़्यादा पेड़ हो, जो वहाँ से निकलने वाले नॉइज़ को क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। सेकेंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एम्पलीफायर्स एंड ऑटो हॉर्न्स, यानी ये जो डीजे वगैरह चलता है, ठीक है, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं, जो ऑटो के हॉर्न्स होते हैं या व्हीकल्स के हॉर्न होते हैं उस पर क्या लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें, एक फिक्स लाउडनेस की जो स्पीकर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उसको ये अप्रूव करें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाउड के जो एम्पलीफायर्स साउंड या स्पीकर्स होते हैं उस पर हम लोग क्या कर दें, बैन कर दें या कोई टाइम लिमिट लगा दें, ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो सेकेंड चीज़ हम लोग जो कर सकते थे वो क्या कर सकते थे, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एम्पलीफायर एंड ऑटो हॉर्न्स, ठीक। तो हम लोग जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, जो डीजे यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक, या जो भी ऑटो हॉर्न्स वगैरह व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ क्रिएट करने वाला अगर वो है तो उसको क्या कर दे, बैन कर दे या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, उसकी लाउडनेस को कम कर दे, ठीक है, या परमिट उसी को दे कि जिसका नॉइज़ जो बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो, डिस्कम्फर्ट ना प्रोड्यूस करता हो, तो ये कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, थर्ड थिंग जो हम लोग कर सकते हैं, थर्ड वे जिस तरीके से हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक, यूज सॉफ्ट कारपेट फ्लोर्स कर्टेंस एंड साउंड एब्जॉर्बर्स सच एज कॉक थर्माकोल इंडोर कैन रिड्यूस द नॉइज़ लेवल।
आपको पता होगा कि जो नॉइज़ होता है, ठीक है, नॉइज़ होता है या जो आपका साउंड होता है, ठीक, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साउंड वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जैसे आपके कर्टेंस हो गए, कारपेट हो गया, आपकी बेडशीट हो गई, ठीक है, तो ये सारे मटेरियल क्या करते हैं, कुछ साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप इनडोर में, आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो भी नॉइज़ बाहर से आएगी उसको ये सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक। आप अगर मूवी हॉल्स में जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवी हॉल में कि जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं उस पर बहुत बड़े बड़े कर्टन्स लगे होते हैं, ठीक है, या फिर क्या लगे होते हैं, थर्माकोल के पीसेज लगे होते हैं, ठीक है, या ऐसी चीज़ें लगी होती है, कर्टन्स है, कारपेट्स है, ठीक है, और फोम वगैरह लगे होते हैं। ये इसीलिए लगा होता है ताकि जो बहुत वहाँ पे लाउड साउंड जो क्रिएट होता है वो उस हॉल के अंदर ही रहे, उस हॉल के बाहर ना जाए। आप देखते हैं, आप जस्ट हॉल के बाहर ही खड़े होते हैं, आप जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे एक लाउड नॉइज़ आपको सुनाई देता है, लोगों के चिल्लाने की आवाज़, मूवी के साउंड की आवाज़, ठीक है, बट आप उसके बाहर होते हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सारा साउंड क्या होता है, उसी हॉल के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप नॉइज़ पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यूजिंग सॉफ्ट कारपेट्स, फ्लोर कर्टन्स एंड साउंड एब्जॉर्बर सच एज कॉर्क, थर्माकोल, इंडोर can reduce the noise level। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, साउंड को, जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? आप सॉफ्ट कारपेट फ्लोर्स का यूज़ करिए, ठीक है, कर्टन्स का यूज़ करिए, साउंड एब्जॉर्बर जैसे कि कॉर्क हो गया, थर्माकोल हो गया, ये इंडोर में आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। तो ये कुछ वेज थे जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती हैं जिससे सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, उनको शहरों से दूर या लोगों से दूर सेटअप करना चाहिए जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए ताकि वो साउंड को क्या कर ले, जो भी नॉइस पॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक। फिर रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर्स एंड ऑटो हॉर्न्स, यानी जो भी हमारे बहुत लाउड साउंड क्रिएट करने वाले जो लाउड स्पीकर है, हॉर्न्स है, ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, टाइम लिमिट। फिर सॉफ्ट कारपेट, फ्लोर कर्टन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ क्या है, साउंड है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन से हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और क्या पढ़ा, इसका मेजर्स पढ़े कि किस तरीके से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कि म्यूज़िक क्या होता है, ठीक, म्यूज़िक क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक, फिर नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके पड़े और मेजर्स टू रिड्यूस। तो ये इतने टॉपिक आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक, और आई होप आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।